पूरे भारत में इस समय लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में गरीब लोगों को रोजमर्रा की चीजों, खास तौर पर खाने पीने की चीजों को लेकर खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के साथ साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। ऐसे में भारत की स्वयंसेवी संस्था भारतीय सहयोग सेवा समिति NGO पंजीकृत ने आगे बढ़कर आते हुए जन जन तक खाना और जरूरी सामान पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, जहां उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कई स्थानों पर राशन वितरण किया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगबीर सिंह परमार ने जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा मथुरा उत्तर प्रदेश श्रीमती शालू अग्रवाल के साथ मिलकर राशन वितरण किया और जरूरतमंदों को सावधानी बरतते हुए घर घर जाकर राशन सामग्री देने का कार्य किया। वहीं जगबीर सिंह परमार ने बताया कि इस प्रकार की त्रासदी में हर मानव का धर्म है दूसरे मानव के काम आना। मेरा नाम शालू अग्रवाल है और मैं भारतीय सहयोग सेवा समिति से महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हूँ। और आज सुबह 8 बजे से हमारा ये सहयोग सहायता का खाद्य वितरण चल रहा है, क्योंकि यहाँ या क्षेत्रों में देखो कि मतलब लोगों के घर में 4-4 दिन से चूल्हा नहीं जला है। तो हमारी जो भारतीय सहयोग सेवा समिति की जो संस्था है, और सबसे बड़ी तो ये बात है कि वो दिल्ली की जो संस्था है वो आज हमारे मथुरा में ऐसा कार्य कर रही है कि सारे वर्ग क्षेत्र उनको छोड़कर यहाँ के वासियों की सहायता कर रही है। और आज सुबह 8 बजे से पहले हमने वार्ड नंबर 4 में भरतपुर गेट वहाँ वितरण किया, यहाँ कर कि वहाँ कम से कम 25 लोगों को सहायता प्रदान करी, क्योंकि वहाँ 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, उसमें कि खासकर 15 तो विधवाएँ थीं, छोटे छोटे बच्चे थे। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ओम नगर से लेके महाविद्या, गोविंदपुरम, तैयापुर, ईशापुर, पानी गाँव, यहाँ जहाँ सारे क्षेत्रों में सबों की सहायता करी। और आगे भी हमारी भारतीय सहयोग सेवा समिति ऐसे ही सेवा करती रहेगी। और आज हमें लॉकडाउन का 15वां दिन है, 15 दिन से हमारी यही सहयोग चल रहा है और आगे भी चलता रहे। उसमें सामग्री में है हमारा आटा है 2 किलो, 2 किलो चावल है, 2 एक दाल है, आलू है 2 किलो और नमक की थैली है।